देखिए, कन्नौज आए और इत्र का जिक्र ना हो तो ठीक सा नहीं लगता है। हालांकि ये बात और है कि आज के दौर में इत्र से ज़्यादा इत्र कारोबारी का जिक्र है और इत्र की खुशबू से ज़्यादा छापेमारी का जिक्र है। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना जो कारोबारी काम कर रहा है मेहनत से और हमेशा से कन्नौज को इत्र देता आया है, वो क्या सोचता है, वो किसका विजय तिलक करेगा। कन्नौज की सियासत के जितने चर्चे देश भर में होते हैं, उससे कहीं ज्यादा कन्नौज से उठने वाली इत्र की खुशबू पूरे देश को सुगंधित करती है। सभी जानते हैं कि कन्नौज का इत्र दुनिया में जाना माना जाता है, लेकिन ये इत्र आता कहाँ है? इन खूबसूरत फूलों की खुशबू से, और कई तरीके के फूल और जड़ी बूटी यहाँ पर उगाए जाते हैं। ये वही फूलों का बगीचा है जो इत्र के व्यापार का मजबूत आधार है। कन्नौज को नई पहचान देने वाले ये फूलों का बगीचा कितना गुलजार है, ये जानना बेहद जरूरी हो गया है। ऐसा है कि जो ये खेती करने से हमारा गुजारा होता है, इसके संग और हमारे मजदूरों का गुजारा होता है। और उसके बाद कोठी वालन को गुजारा होता है। अरे, कोठी वालन पे तो बहुत पैसा निकला। हाँ, जब हिंद से जाएगा मजदूर उसमें लगेंगे हमारे, और ठुराई होती है तो हमको भी हमारा भी खर्चा चलता है। इन्हीं फूलों के बागीचों से उठने वाली सुगंध जब एक शीशी में बंद होती है तो वो कन्नौज को देती है उसकी पहचान। लेकिन खुशबू का व्यापार इतना आसान नहीं है। जय तिलक यहाँ से किसका होगा, खासकर जब बात करते हैं कन्नौज के खूबसूरत इत्र की। खूबसूरत तो ये इत्र बनाने की प्रक्रिया भी लग रही है मुझे, ये प्रोसेस भी लग रही है, क्योंकि आप देखिए, हम आप जो शीशी में चंद बूंदों को देखते हैं वो किस तरीके से कितने मेहनत से निकल करके सामने आती हैं, ये इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस इत्र को लगाकर आप खुद को सुगंधित कर लेते हैं, उसे बनाने की प्रक्रिया जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि जब हम पहुंचे तो वहां लगी हुई थी कई भट्टियां जो दिन रात सुलग रही थी, दिन रात चल रही थी। क्या खासियत होती है, क्योंकि देखिए खुशबू बनाने के लिए हो सकता है, ये कहने के लिए तो फूल हर जगह हैं, कहने के लिए भट्टियां कहीं भी हो सकती हैं, कहने के लिए सेटअप भी कहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इतना खास क्या बना? देखिए ऐसा है ना, ये कन्नौज का ही देसी इतर है, इसको देसी इतर बोलते हैं, जो और कहीं बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये सब जड़ी बूटियों से, अभी आप देख रहे हो इसमें शमामा बन रहा है, फिर गुलाब का भी सीजन, गुलाब भी बनता है, सब चीज़ें बनती है, बट ये कन्नौज में पानी में ही एक अजीब सी सुगंध है जो और मिठास पैदा करती है। इन भट्टियों में तपकर बनने वाले इत्र ने पूरे देश को महकाया है, लेकिन क्या यहाँ के काम करने वाले कामगारों की जिंदगी भी उतनी महकती है, ये जानने के लिए हम पहुँचे तो नजर आई एक बस्ती जिसमें कामगार रहते हैं। भैया इतर के कोची नहीं, मजूरी करने जाते, बर्तन धोने जाते दूसरे घर। अच्छा। उसमें गुजारा कर रहे, आदमी है ही नहीं, आदमी नहीं है, बिटिया है हमारी, छह छह बिटिया इसी मारे, अब विधवा पेंशन आती है हमारी। तुम्हारे योजना तो दिखाई दे रही है चाची। हमारे जी है, हमारा मकान जी है। तुम्हें काई नहीं मिला? कॉलोनी नहीं मिले हमें। काई नहीं मिली कॉलोनी? कॉलोनी भराई है, फार्म भराया, कुछ नहीं आए, दो साल हो गए। तुम्हारे, ये तुम्हारा है दीदी? नहीं नहीं, हम इनकी बिटिया है। तो एक बात बताओ, ये किसका आया है? तो ताला लगा है, इनका लड़का खत्म हो गया। ये कहानी जरूर आपकी आंखों में पानी ला दे, लेकिन जिंदगी अब भी बदहाल है इनकी। लेकिन इसी बस्ती, इसी शहर ने देश को महकाने का काम किया है। देखना होगा कि चुनाव में किस दल को कन्नौज से मिलेगी वोटों की खुशबू, किसका होगा विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए कन्नौज से स्नेहलता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।